बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हसन एंड हुसैन किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के नरगिसी कोफ्ते। मैंने लिए हैं 9 दरमियाने साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिए। अब मैं इन्हें क्रश कर लूँगी। 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे आमचूर पाउडर। 3 टेबलस्पून डाल देंगे इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर। 1/4 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे कुटा हुआ साबुत धनिया। चिली फ्लेक्स डाल देंगे 1/4 टीस्पून और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ डाल देंगे इसके अंदर पिसा हुआ 1/4 टीस्पून। 1/2 टीस्पून डाल देंगे इसमें चिकन पाउडर और हसब ज़रूरत इसमें डाल देंगे नमक और थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम हाथ में लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल। थोड़ा सा हम लेंगे ये आलू का मसाला, इसको हम पतला सा हाथों में ही थोड़ा पतला कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे अंडा, इसके अंदर हम रखेंगे अंडे को। अब इसी तरह से मैं सारे अंडे तैयार कर लूँगी। एक और अंडा हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये मैंने अंडों को पहले ही बॉईल करके रख लिया था, क्योंकि अंडे और आलू दोनों चीज़ें हमारी जब ठंडी होंगी इसी तरह से हम इसको लपेटेंगे। गरम गरम में ये हमसे नहीं सही तरह से लपेटा जाएगा और उतर जाएगा सारा मसाला, इसलिए इसे दोनों चीज़ों को ठंडा करेंगे फिर इसको हम लपेटेंगे। 3 अंडे हमारे तैयार हो गए हैं। अब बाकी को भी मैं बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लूँगी। अब हमारे आलू के नरगिसी कोफ्ते हो गए हैं तैयार। इसे हम कर देंगे साइड पर और हम अब इसकी बना देंगे जो हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। उसके लिए हम लेंगे 2 टमाटर, थोड़े से हमने दिए 10 से 12 कलियाँ ली हैं हमने, लहसुन की थोड़ा सा टुकड़ा लिया है, अदरक का, 2 दरमियाने साइज़ की छोटी प्याजें हैं और 3 अदद हैं हरी मिर्चें। इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल को कर लिया है गर्म। कोफ्ते डाल देंगे हम इसके अंदर ताकि ये फ्राई हो जाए। अब जब तक हमारे ये अंडे फ्राई हो रहे हैं हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। अब हमारे कोफ्ते हो गए हैं फ्राई। फ्लेम को हम कर देंगे बंद और हम इसे निकाल लेंगे। जिस ऑयल के अंदर हमने अंडों को फ्राई किया था उसी के अंदर हम डाल देंगे जो हमने मसाला पीसा। इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे हल्दी। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम डाल देंगे नमक। 1/3 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे भून लेंगे। अब हमारा मसाला हो गया तैयार। अंडों को डाल देंगे हम इसके अंदर। बस अब हम इसको हल्का सा चलाकर 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। हमारे आलू के नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे एक डिश में निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब हमारे आलू के नरगिसी कोफ्ते बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छे बने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमेशा खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।